तो बात कर रहे हैं चलो फील कर ले करो करिए मैं बता रहा हूं उठा लिए डालना ना कल को उठा लेंगे देश के सबसे बहुचर्चित हाथरस बिटिया कांड से सुर्खियों में आई थाना चंदवा पुलिस एक बार फिर विवादों में फंस गई है। अब इस बार पुलिस हिरासत में बंद एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। दरअसल पुलिस की हिरासत में लेने के बाद अधेड़ व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जैसे ही थाने के पुलिस और आला अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली, पुलिस प्रशासन में हड़कंप सा मच गया। पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मौत के बाद थाने पर हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने पुलिस पर कई सवाल उठाए। गोली फायरिंग है गोली लगी न्याय गोली दी और भैया न्याय ले पुलिस पैसा और न्याय रेफर कराई हुई तबियत खराब है आगरे ले जाओ पर्चा फार के करो वही सभी ले देख लियो का होगा तो वह फिर आने माले में भैया डॉक्टर हो गया बता दें कि चंदपा इलाके के गांव वेसाना में सोमवार की रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग हुई थी। इसी दौरान भीड़ ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी सुबह पुलिस हिरासत में मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विकास कुमार वैद्य ने इस मामले में चंदपा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चतर सिंह राजोरा, एक दरोगा और दो कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कल शाम को 9:15 बजे ये सूचना आई कि ग्राम बिशाना में दो पक्षों में झगड़े हो गए हैं। इस सूचना पे थानाध्यक्ष मौके पे पहुंचे और सीओ साहब भी बाद में मौके पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि पेशाब करने के लेकर दो पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर ईंट पत्थर भी चल गए और फिर फायरिंग होना भी बताया गया। उस में कार्रवाई के रूप में एक पक्ष जो एग्रेसिव पक्ष था उसका राजू नाम के व्यक्ति को, राजू सन ऑफ जुल्फी सिंह, उसे ले आएगा थाने। रात में ही लगभग 11 बजे के आसपास उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। लगभग 12 बजे उसका मेडिकल हुआ है परीक्षण और उपचार जो भी था और वह थाने लाए गए। पुनः करीब 4 बजे के आसपास उसकी तबीयत खराब हुई, उसने बताया कि ठीक नहीं लग रहा है तो उसे एक सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल के द्वारा जिला अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया और वहां बताया गया कि इंजेक्शन भी लगा और उसे उपचार किया गया। उसके पश्चात उसे पुनः थाने ले आया गया, लेकिन 6:30 बजे पुनः उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे जिला अस्पताल ले जाया गया और दौरान उपचार इसकी मृत्यु हो गई। इसमें लापरवाही पूरे प्रक्रिया के दौरान जो हुई है उसमें प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही और लापरवाही जो दिखी एक सब इंस्पेक्टर दो कांस्टेबल की भी परिलक्षित हुई है, उसे भी निलंबित कर दिया गया और इसमें पंचायतनामा और पोस्ट कांटम की कार्रवाई शीघ्रता से की जा रही है, अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की। ठीक है, बता दें कि हाथरस के गांव वेसाना में पुरानी रंजिश के विवाद में दो पक्षों में देर रात मारपीट और फायरिंग हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति राजकुमार भी घायल हो गया था। पथराव में घायल राजकुमार को हाथ और पैर में चोट लगी थी, जिसको घायल हालत में पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस हिरासत में लेने के बाद घायल व्यक्ति राजकुमार की सुबह मौत हो गई। पुलिस की बड़ी लापरवाही इसमें ये देखने को मिली कि पुलिस घायल व्यक्ति को अस्पताल इलाज को लेकर आई, लेकिन अस्पताल में इलाज को लेकर भर्ती नहीं कराया। सुबह दोबारा पुलिस कस्टडी में तबीयत बिगड़ने पर पुलिस इलाज के लिए आरोपी लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने घायल व्यक्ति राजकुमार को मृत घोषित कर दिया। इस मौत के बाद अब पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर मामले में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए गाँव में भी भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।